नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश मार्केट लाइव मुनाफे का सफर। इस शो में हम आप तक पहुंचाते हैं देश के जाने माने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट को और जोड़ते हैं उनसे आपको, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं, जिन भी स्टॉक्स को लेकर आप दुविधा में हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सारे सवालों के जवाब आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ले सकें। ये शो मंडे टू फ्राइडे हम आप तक पहुंचाते हैं। सुबह 10 बजे से ये मुनाफे का सफर जो है इसे शुरू किया जाता है और उसके दौरान हम क्रिप्टो करेंसीज पर भी बात करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर भी बात करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर हमें अपने सवाल जो है भेज सकते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ आज सबसे पहले जुड़ेंगे विशाल वाघ सर। हमारी कोशिश रहती है कि वेंसडे के दिन हम कम से कम एक बार विशाल सर के साथ जुड़ें, एक दिन उनका लें। बहुत ही बढ़िया और दमदार स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर बहुत ही अच्छी जो जानकारी है वो भी देते हैं और अब तक बहुत अलग अलग स्टॉक मार्केट से जुड़े कॉन्सेप्ट्स उनके साथ हमने समझे हैं। आज बाजार उनको किस तरीके का लग रहा है उनसे समझेंगे और जिस रेंज बाउंड मार्केट की बात इतने दिन से एक्सपोर्ट्स कर रहे थे उस पर उनकी क्या राय बनकर आ रही है, उन्हें बाजार किस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें समझेंगे विशाल सर के साथ। साथ ही साथ उनसे अपडेट भी लेने की कोशिश करेंगे उन स्टॉक्स पर जो उन्होंने हमें पहले रिकमेंड किए थे। दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सर की तरफ से कुछ अच्छी दमदार रिकमेंडेशन आई थी, उन सारी चीजों पर एक अच्छी चर्चा करने के लिए हम चलते हैं विशाल सर के पास और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल, मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और हमें इस वक्त मार्केट में किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की जरूरत है। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल सर। वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी। सर बहुत फ्रेश लग रहे हैं, बहुत दिन बाद आप जुड़े हैं हमारे साथ। दिवाली का एक लंबा वीकेंड, उसके बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है। सर आपसे समझना चाहूंगी कि बाजार आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है इस वक्त, नतीजे हम आते हुए देख रहे हैं, कुछ नतीजे जो है निराश कर रहे हैं, कुछ नतीजे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आईपीओज आते हुए दिख रहे हैं, बाजार में बहुत सारा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे व्यूअर्स को किस तरफ नजर रखने की जरूरत है और किस तरीके से वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के इस वक्त बाजार में काम करें। सर अभी आपके रडार पे कोई स्टॉक्स बने हुए हैं जिन पर हमारे व्यूअर्स को नजर रखनी चाहिए जहां से वो मुनाफा कमा सकते हैं? मैं पहले पुराने अपडेट पे बात कर लूंगा। मैंने ग्रासिम आपके शो में दिया हुआ था जी। ओके, तो ग्रासिम में मोर और लेस हम लोग टारगेट के करीब जा रहे हैं। 1861 है टारगेट मेरा, 1950 का है। ऑलरेडी जो लेवल पे हम लोगों ने रेकमेंड किया था वो लेवल से 100 रुपया ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने का टाइम आ गया है। 1820 का लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको आप होल्ड कर सकते हैं। कल मैंने एक और स्टॉक रिकमेंड किया था जो आपके शो में नहीं किया है, लेकिन एक स्टॉक हम लोगों ने रिकमेंड किया था M&M, उसी में हम लोग अपना रिकमेंडेशन कंटिन्यू रखेंगे। M&M पे हम लोगों का बाय का नजरिया बना हुआ है और ऊपरी स्तरों पे हम लोग कहीं ना कहीं इसमें 930 से लेके 980 तक के लेवल्स आते देख रहे हैं। एज कल हम लोगों ने जब किया था वो स्टॉक वो टाइम पे 970 के लेवल पे था, सॉरी 870 के लेवल पे था, तो उधर से हम लोग आज ऑलरेडी उसमें 2% प्लस देख रहे हैं। हम लोगों को जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अभी 880 के लेवल पे हम लोगों को उसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जो नए काउंटर में दे रहा हूँ आज, उसमें पहला काउंटर है मेरे एंड से यूपीएल, यूपीएल तो हाँ यूपीएल ये मेरा पहला काउंटर है। यूपीएल में जो डाउन साइड है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से एक नई तेजी के लिए यूपीएल निकल सकता है। एक मिनट। यहाँ से एक नई पेजी के लिए यूपीएल निकल सकता है जहां पे स्टॉप लॉस के जो रिकमेंडेशंस रहेंगे वो स्टॉप लॉस के रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से 730 का स्टॉप लॉस होगा। अभी 764 स्टॉक चल रहा है और ऊपरी स्तरों पे हम लोग इसको कहीं ना कहीं 810 तक जाते हुए देख सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है भारत फोर्ज, भारत फोर्ज में भी
844 का लेवल बना हुआ है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन बना हुआ है। यहाँ से हम लोगों को जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 780 का रहेगा। टारगेट साइड में ये 1000 रुपीज प्लस का जा सकता है। ठीक है सर, और ये कब तक चला जाएगा सर, 1000 के आसपास? एक महीने का टारगेट लेके चलिए। ठीक है, एक महीने का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं।